नमस्कार लियो। लियो यानी सिंह राशि, मैं सुरेश कौर ट्रिपल एस इंडिया टैरों से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल्स हैं या किसी भी रीजन से अपने आप को सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी। और जनरल होने के कारण आप रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 17 नवंबर से 23 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर इसके बाद प्रेजेंट करंट एनर्जी देखने वाले हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया लवर, कोई नया प्रेमी, कोई बंदा या बंदी आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, किसी रिलेशनशिप में थे या फिर अटैचमेंट फील कर रहे थे, जो आपसे अभी दूरियाँ बना चुका है, दूर जा चुका है, तो वो क्या वो वापस आ रहा है। अगर आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और इस सिचुएशन की जो है यानी कि लियो के लिए इस सप्ताह की जो है गाइडेंस वो क्या रहने वाली है कि इस सप्ताह उसे क्या करना चाहिए, वो एनर्जी कैसी रहेगी उसके लिए। तो आइए देखते हैं लियो के लिए कि उनका जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। नाइन ऑफ कप्स, वाव, जो आपका रिसेंट पास्ट है वो काफ़ी अच्छा बीता है, काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी दिन आपने जो आपकी दिल्ली तमन्ना थी, जो विश फुलफिलमेंट थी, कहीं ना कहीं वो पूरी होती दिखाई दी है। जिन चीज़ों के लिए आप वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, आपकी विश पूरी नहीं हो रही थी, आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही थी जो आपको चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको मिली है। आपकी विश फुलफिलमेंट हुई है, आपको खुशियाँ मिली हैं, आप खुद खुश हैं और सामने वाला भी खुश है जिसके साथ आप, जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आया है उसको लेकर आप काफ़ी खुश हैं। जिसको आप चाह रहे थे वही तमन्ना आपकी पूरी जो है रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि वही दिली तमन्ना आपकी पूरी हुई है, आपकी मनोकामना पूरी हुई है, जिससे आप काफ़ी, जिसके साथ आप काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं, हैप्पीनेस महसूस कर रहे हैं, आप काफ़ी हैप्पी हैं। और लेकिन इतनी खुशी में जो है आपको ज़्यादा ओवर ड्रिंकिंग नहीं करनी है, उन चीज़ों से बच कर रहना है। चाहे वो हार्ड ड्रिंक होता है, हो सकता है सॉफ्ट ड्रिंक हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी, मतलब लिक्विड चीज़ें जो ड्रिंकिंग वाली चीज़ें होती हैं, ऐसा ना हो कि आप उस खुशी में इतना ओवर ड्रिंक कर लें कि आपको परेशानी हो। तो उन चीज़ों से, उस एडिक्शन से आपको बच कर रहना है, क्योंकि वो एडिक्शन भी आपकी हो सकती है। तो देख लेते हैं कि जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी क्या रहने वाली है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जो फिलहाल की जो एनर्जी है वो आपकी, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप परेशानी में हैं, दुविधा में हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, मतलब कुछ वाद विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा आपका प्रेजेंट में हो सकता है किसी चीज़ को लेकर। तो या तो आप ओवरथिंक करने वाले हैं या फिर आपके पर्सन ओवरथिंक करने वाले हैं, या फिर मतलब आप चाहते हुए भी, मतलब आप अगर कोशिश भी करेंगे इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकलने की, तो आप निकल नहीं पाएंगे। आप अपने आप को बंधा महसूस कर सकते हैं कि आप फंस चुके हैं, आप इस जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है आपने उसको, आप उसमें कैद हो चुके हैं, चाहते हुए भी आप उसे निकल नहीं पाएंगे। जो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है वो बता रही है कि आप काफ़ी, मतलब जो प्रेजेंट है जो आपका, वो इतना अच्छा नहीं जा सकता। किसी से वाद विवाद हो सकता है उस, मतलब या तो आप ओवरथिंक कर सकते हैं या सामने वाला ओवरथिंक कर सकता है। एक दूसरे के विचार नहीं मिलते, एक दूसरे की बातें नहीं मिलती, मैच नहीं करती, तो या तो आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो पा रही हैं, या फिर हो भी रही तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है। तो आप फंसा फंसा सा दुविधा में, परेशानी में, एंजाइटी स्ट्रेस में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, जो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है।
आप चाहकर भी उसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप फंस गए हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ये आपकी एनर्जी जो प्रेजेंट वाली है वो बता रही है। देखते हैं कोई नया लवर, नया प्रेमी या कोई नया पर्सन, बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो इस सप्ताह की एनर्जी आपकी कैसी रहेगी। 17 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में जो एनर्जी है वो आपकी कैसी रहने वाली है। फाइव ऑफ वांड्स, तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो भी बता रही है कि आप एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, आप दुविधा में हैं। तो जो नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उसके जो हो सकता है कि उसको लेकर आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद बढ़ सकता है, या फिर मतलब हो सकता है कि उसमें कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है जो आपके रिश्ते को ख़राब कर सकता है, बर्बाद कर सकता है वो, या फिर कोई जो बंदा या बंदी आ रहा है हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, मतलब किसी और पर्सन से भी डील कर रहा हो, वो आपकी लाइफ में भी आ रहा हो, या फिर ऐसा आप भी कर सकते हैं उनके साथ। तो मतलब जो भी बंदा या बंदी आ रहे हैं उसके साथ आपका जो संबंध है वो अच्छे नहीं हो सकते, काफ़ी लड़ाई भरे हो सकते हैं, काफ़ी दुविधाजनक हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, यहाँ तक कि हाथापाई भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप जो है लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, एंजाइटी स्ट्रेस में आप रह सकते हैं। तो उन चीज़ों से आपको अभी बचना है। कोई अच्छी एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है आपकी जो इन दिनों, जो आपके बंदा या बंदे की, जो भी अगर कोई बंदा या बंदे आ जाता है और उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं आप, तो उसके साथ आपका संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, लड़ाई कलह ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसे अभी आपको बचकर रहना है, उस एनर्जी को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। देख लेते हैं कि अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, यानी किसी पास्ट पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे या उनके साथ आप रिलेशनशिप में थे, लव रिलेशनशिप में थे, या अटैचमेंट फील कर रहे थे, या आपकी शादी हो चुकी थी जो ख़त्म हो गई है, अभी आप अपने आप को सिंगल मान रहे हैं, तो क्या वो पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ सकता है? अगर आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी? द स्टार, तो नए पर्सन, जो पुराना पर्सन है उसकी, वो पर्सन आपके साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकता है, लेकिन अभी वो जो है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ में है, हीलिंग मेडिटेशन में है वो, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो रिश्ता ख़त्म हो गया है, इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, एंजाइटी स्ट्रेस हुआ है, तो अगर उस चीज़ से उभरना है, उस चीज़ से बाहर निकलना है, फिर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी है, तो फ्यूचर को मजबूत बनाने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए उन्हें हीलिंग मेडिटेशन करनी पड़ेगी, किसी हीलर से मिलना पड़ेगा, या थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ेगा, थोड़ी सी दूरियां बनानी पड़ेंगी। तो उस स्पेस के बाद, उस हीलिंग मेडिटेशन के बाद वो आपसे एक रिश्ता दोबारा से शुरू करने वाला है, शुरू करने आ रहा है, और एक जो भी बिगनिंग होगी, जो भी शुरुआत होगी, वो धीरे धीरे करके गोल्डन स्टार हो सकती है, अच्छी जा सकती है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा आपको स्पेस देना है, पहले अपने आप को हीलिंग मेडिटेशन के दौर में लेकर जाना है, और अगर क्योंकि रिश्ते को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, फ्यूचर को अच्छा बनाना है, तो आपको क्योंकि जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जिस चीज़ से आपको परेशानी हुई है, दुविधा हुई है, सामने वाले को हुई है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपको थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ेगा, हीलिंग मेडिटेशन करनी पड़ेगी, या फिर किसी नॉन पर्सन से सलाह मशवरा करके ही दोबारा आपको एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी पड़ेगी। और अगर आप उस बंदे से फिर से बिगनिंग शुरुआत कर देते हैं हीलिंग मेडिटेशन के बाद, तो वो बिगनिंग आपकी यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ होगा, और वो गुड न्यूज़ यही है कि उनके साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, गोल्डन स्टार रिश्ता बनना, सारी खुशियां आना, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, और स्टार भी आपका साथ तभी देंगे जब आप
उनके साथ एक हीलिंग मेडिटेशन के बाद स्पेस लेते हुए, अपने आप को संभालते हुए, खुद पर कंट्रोल करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो तभी सितारे भी आपका साथ देंगे और ये रिश्ता आपका आगे जाकर खुशियों में तब्दील हो सकता है। फिर से एक नई खुशी आपको इस रिश्ते से मिल सकती है, लेकिन पहले आपको स्पेस देना है, हीलिंग मेडिटेशन करनी है। कोई भी जल्दबाजी इस रिश्ते में आपको अभी नहीं करनी है। तो पुराना पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, जो आपको आप जिसका आपके साथ रिश्ता अच्छे से जा सकता है। बिगनिंग छोटी होगी, शुरुआत होगी, लेकिन धीरे धीरे करके वो एक बिगनिंग, एक गोल्डन स्टार हो सकती है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी। द फूल, तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप लाइफ में एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, तो मतलब जो भी नए पर्सन की एनर्जी तो आपकी लाइफ में अच्छी नहीं लग दिखाई दे रही है, तो अगर आप दोबारा से एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, तो इतना थोड़ा सा रिस्क आपको उठाना पड़ेगा। और क्योंकि ये जो इमैच्योर एनर्जी है, ये नई एनर्जी हो सकती है, कोई नया पर्सन हो सकता है, या फिर मतलब वो एक बिगनिंग, नई बिगनिंग, नई शुरुआत आपके साथ चाहता है, मतलब दोबारा से इस रिश्ते को चाह रहा है, और वो महसूस कर रहा है कि अगर उनको एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी है, दोबारा से लव लाइफ शुरू करनी है, दोबारा से रिश्ते में वापस जाना है, तो उन्हें इतना तो रिस्क उठाना पड़ेगा, एक बिगनिंग, एक शुरुआत तो करनी पड़ेगी। इसमें एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो बुद्धिमानी और समझदारी के साथ अगर आप इसमें एक्शन लेंगे और धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा समय देते हुए, स्पेस देते हुए, तो ये रिश्ता आगे जाकर खुशियों में तब्दील हो सकता है, सूरज की तरह चमक सकता है, नेम और प्रेम हो सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि बिना रिस्क उठाए रिश्ता आगे शुरू नहीं हो सकता। तो जो पुराना, जो पास्ट का पर्सन है, उसके साथ अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं उस रिश्ते को, तो वो रिश्ता आपके लिए अच्छा जा सकता है। लेकिन सोच समझ कर आगे जाना है, आपको जंप नहीं लगाना है। पहले सोचिए, समझिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, थोड़ा सा वक्त लीजिए, और तभी आप आगे बढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स नहीं करते हैं, कमेंट्स करना शुरू नहीं किया तो प्लीज़ आज से कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, हेल्प मिलती रहे, और वीडियो बनाने में खुशी होती रहे। तो फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।